अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। मैं हाँ तुहाडा अपना अरसलान जवेद। तो अच्छा जी, ये मैं हवेली आया हूँ। अभी नाइट 12 बजे का टाइम हो गया। एक हमने लाइट ये लाइट लगाई है, एक हमने ये लाइट लगाई है, और ये बैठे हुए हैं छोटा भाई अली, और ये माशाल्लाह रात के टाइम अंदर का व्यू। ये हमारा कमरा जिधर हम रात को आराम करते हैं। ये सारा बाहर का सीन। तो अच्छा जी, ये देखें जी, माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा जो है काम हमने मुकम्मल कर लिया है। ये देखें, लाइट हमने इसलिए दो लगवाई हैं क्योंकि रात को इधर काफ़ी ज़्यादा अंधेरा था, जिसकी वजह से लाइट लगाने से ये है कि हम इधर आसानी से काम कर रहे हैं। हाँ जी अली भाई, क्या कहते हैं, जिसने हमने पहले काम करवाया है इसका गार्डन का, तो आप क्या कहते हैं कि ये खुद कर लेंगे सेट सारा काम? मेरे भाई, वो जिसको आप लेके आए थे ना, अच्छा, मेरा अंदाजा क्या था, उसने 4-5 दिन किसी के साथ काम किया होगा। अच्छा जी, अल्हम्दुलिल्लाह, जिस दिन पूछती जो हमारा काम है वो गार्डनिंग का है। वाह जी वाह, ये माशाल्लाह अली भाई कह रहे हैं कि ये हमारा जो गार्डनिंग का शौक है, ये हमारा दादा जान से, हमारा ख़ानदान से जो है ना हमें शौक है। वो चाहे कह रहे हैं कि लड़कों में या लड़कियों में, हमारा जो आल जो है ना, सारा हमारा ये हमारे खून में है गार्डनिंग का शौक ना। तो ये हमारे शहजाद भाई हैं, डॉक्टर शहजाद साहब, जो उस दिन दीवार बना रहे थे कमरे की, मुर्गियों के केज की। तो माशाल्लाह इन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा हमारी हेल्प करवाई है इसमें। अच्छा शहजाद भाई, क्या कहते हैं, ये अगर कोई बंदा आपको जो वीडियो देख रहे हैं, अगर कोई आपको बोले कि ये क्या कहते हैं लोन वगैरह बनाने का, तो आप तैयार कर लेंगे? इंशाल्लाह जी, क्यों नहीं, आप देख सकते हैं कि हमने ये सारा खुद ही किया है। अच्छा, बेहतरीन। चेक करें जी जगह का, लेवल चेक करें है। ये देखें जी माशाल्लाह, इधर से इन्होंने ये लेवल स्टार्ट किया है और ये ज़मीन का सारा इन्होंने बैलेंस खुद सेट किया है। तो क्या कहते हैं शहजाद भाई, अगर हमारे देखने वाले व्यूवर्स, हमारे जो दोस्त हैं, अगर ये आपको बोले जी हमने घर में या कोई भी हमारी हवेली या हमने लोन वगैरह बनाना हो, तो क्या हम काम पकड़ के ये लगा सकते हैं लोन? जी भाई, क्यों नहीं, देखें ना आपके सामने ये सारा हमने खुद किया है। ये देखें जी, ये अच्छा, ये सारा हमने खुद लेवल किया है, ये खुदाई की है, इसकी अंदर से सारा घास निकाला है, इसके सारा लेवल वगैरह किया हमने, इसके ऊपर दूसरा जो घास है वो कोरियन वो लगाना है, और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि वो एक बेहतरीन किस्म की लुक नजर आएगी। जब वो मुकम्मल हो जाएगा इंशाल्लाह हम वो भी व्यूअर को वीडियो वगैरह दिखाएंगे। तो बस ये अभी काम जारी है, मुकम्मल हो जाता तो फिर दिखाएंगे, पता चल जाएगा कि हम कैसा काम कर सकते हैं। बात पता क्या है, देखें ये सुबह दिन रात शाम को हम इसलिए मेहनत कर रहे हैं क्योंकि ये जो साइडों पे सारा हमने रखा हुआ है, इसको हमने जितना जल्दी होता है इसको हमने बेहतर करना है। देखें, जो चीज़ माली वगैरह या जो नर्सरी से लोग आगे कर सकते हैं, वो हम भी भाई खुद लगा सकते हैं, खुद कर सकते हैं। तो हमने सिर्फ पहली दफ़ा जब लगवाया था तो हमने सिर्फ बैठ के देखा था कि वो कैसे काम करते हैं और कैसे लगाते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। मेरे जितने भाई दोस्त, मेरे व्यूवर्स मुझे जो लाइक करते हैं, मेरी वीडियो को वॉच करते हैं, ये कोई मुश्किल नहीं है। आप भी घर में खुद अपना लोन वगैरह बना सकते हैं, ज़मीन का बैलेंस खुदाई करके, जो उसका लेवल सीधा करके कोरियन ग्रास ऊपर लगा सकते हैं। तो इंशाल्लाह अभी हमारा काफ़ी काम मुकम्मल हो गया है, थोड़ा सा रह गया है। तो जो नेक्स्ट अपडेट होगी, जब हम इसके ऊपर कोरियन ग्रास, जब सारी वो स्लाइडें ऊपर 2-2.5 फुट की जो होती हैं स्लाइडें, वो हम लगा देंगे, तो आप वीडियो में इंशाल्लाह जुड़े रहें, वीडियो को एंड तक वॉच करें। तो जब हम ऐसे करेंगे, अभी तो हम हाफ हिस्सा जो है वो कवर कर रहे हैं, तो बाकी ये सारा मुकम्मल होगी, हम पूरी अपडेट करेंगे इंशाल्लाह। शहजाद भाई कह रहे हैं जैसे ही मुकम्मल होगा हम इंशाल्लाह आपको वो भी व्यू दिखाएंगे। ये हाफ से ज़्यादा हमने कह लें कि मुकम्मल कर लिया है, तो ये जो हिस्सा है ये भी इंशाल्लाह कल नहीं तो परसों हम ये भी मुकम्मल करके ऊपर कोरियन ग्रास लगा कर ये सारा आपको एक पूरा एक व्यू दिखा देंगे, और ताकि आपको एक आइडिया हो सके कि कोरियन ग्रास जो लोन वगैरह लोग लगाते हैं, लोग वो कैसे लगाते हैं और जगह का बैलेंस कैसे करना है। ये देखें, ये शहजाद भाई जगह का बैलेंस निकाल रहे हैं उसके साथ, गज के साथ सारी मिट्टी को ऐसे एक साइड से लेकर दूसरी साइड पर लेकर जा रहे हैं। तो चलें अभी आगे जो हम जब इसकी प्लेटें ऊपर लगाते हैं ग्रास की, तो इंशाल्लाह वो भी जो अपडेट होगी वो भी मैं आपको बताता रहूँगा मज़ीद, जब मुकम्मल हो जाएगा इंशाल्लाह। और जब मुकम्मल होने के बाद कोरियन ग्रास की जब ग्रोथ अच्छे से स्टार्ट हो जाएगी, तो इंशाल्लाह आपको वो भी व्यू दिखाएंगे। ये जी, हमने लगाना शुरू कर दिया पीस,
अली भाई दिखाओ जो हमने पीस लगाए हैं उधर पीछे, 6-7 पीस जो लगाए हैं ना वो जरा दिखाओ। अभी लेवल चेक करें, साइडों पे निशान लगा दी जगह लगाए। हमने ऐसे कि 1, 2, 3, 4 वो जो शरारत पाई है जो अंदर कट पीस रह गया ना, इधर मैं आपको ना एक बड़ा पीस दूंगा करीम का, जो आपने इसका ना कट पीस अंदर लगाना है, ठीक है। ये ले जी माशाल्लाह पीस सारे हमने बिछा दिए हैं, कारपेट हमने लगा दिया सारा। ये शहजाद भाई ने सारे जो तरतीब से लगाए हैं, इसके जोड़ सारे बिठाए अच्छी तरह। अली भाई पानी लगा रहे हैं। ये 4 बजे का टाइम हो गया तो ईद भाई के यार पानी काफ़ी ज़्यादा जो है टाइम हो गया वह रात का 2-2.5 बजे से लेके अभी 4 बज गए हैं। तो मैंने आपको बोला था कि मैं इंशाल्लाह आपको जब पीस ये सारे हम लगा देंगे तो आपको दिखाएंगे। लाइट चली गई हुई थी, नहीं तो मैं लगाते हुए आपको दिखाता। अभी आपको सही तरह नज़र नहीं आ रहे होंगे, मैं ना ज़रा रोशनी वाली साइड से आपको दिखाता हूँ। ये ऐसे कर रहे हैं हम, इसके ऊपर ना पानी लगा रहे हैं, ये देखे जी माशाल्लाह। क्योंकि अभी ये जो हमने बिछाया क्लीन, ये हम इससे सेटिस्फाई हैं, मुतमिन हैं, क्योंकि जो पहले लगाया हुआ था उससे हम मुतमिन नहीं थे। अभी जो हमने सारी ज़मीन का लेवल निकाल के ये जो हमने पीस लगाए हैं ये काफ़ी ज़्यादा बेहतर भी लगे हैं पहले से। बाकी इंशाल्लाह दिन के टाइम जो व्यू होगा इंशाल्लाह आपको वो भी चेक करवाएंगे। तो चलें इंशाल्लाह जो दिन का व्यू होगा वो भी आपको अभी दिखाएंगे।